हेलो चिल्ड्रन, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कर्व। आपको देख के समझ में आ रहा हो कि नेक्स्ट कर्व क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट कर्व क्या है? कर्सिव स्ट्रोक ऑफ सी। ठीक है, कर्सिव स्ट्रोक हमको सी का बनाना है। नाउ सी आपको किस किस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? ए डी जी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इनिशियल स्टेजेस में जितने भी लेटर्स हैं उसके लिए सी कर्व आना जरूरी है और ये सबसे ज्यादा टफ है। तो आपको इसे कैसे लिखना है? आप लोग ने, बहुत लोग ने सही लिखा, पेंसिल नहीं उठाया जब लिख रहे थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने ऐसे भी लिखा है कि वो पेंसिल उठा रहे थे। आपको कभी भी कर्सिव लिखते वक्त पेंसिल नहीं उठाना है, उसी फ्लो में आपको लिखना है। ठीक है, तो अब हम देखें हमें कर्सिव स्ट्रोक ऑफ सी कैसे लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखेंगे हम? सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के अंदर, दैट इज लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के अंदर लिखेंगे। 1 2, ये है 2 है ना, और ये 3। 2 और 3 के अंदर हम कर्सिव स्ट्रोक ऑफ सी लिखेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, टेक योर पेंसिल, पुट द पेंसिल ऑन योर थर्ड लाइन, लाइन नंबर 3 पे रखना। ठीक है, और क्या करना? एक टेढ़ा स्ट्रोक बनाना, रुकना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सी कर्व हमने बनाया था यस प्री स्ट्रोक्स में, सो द सेम वे हमको बस स्ट्रोक अप ले जाना है, सी बनाना है, स्ट्रोक अप ले जाना है, सी बनाना है। ठीक है, सो विल सी फ्रॉम थर्ड लाइन यू टेक द स्ट्रोक अप। ठीक है, देन मेक अ सी कर्व, देन टेक द स्ट्रोक अप, मेक अ सी कर्व, देन अगेन यू टेक द स्ट्रोक अप, टच द सेकेंड लाइन। कहां से? थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन पर। अगेन यू टेक द स्ट्रोक अप, टच द सेकेंड लाइन, राइट सी कम डाउन, टच द थर्ड लाइन। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट सी कर्व। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी हाथ उठाना नहीं है, वहीं रखे रहना, वहीं से हमको सी कर्व को कंप्लीट करना है। ठीक है, उठाना नहीं है हाथ को, कंटिन्यूअसली वी हैव टू राइट लाइक दिस। फ्रॉम द थर्ड लाइन यू हैव टू गो टू सेकेंड लाइन, मेक अ सी, अगेन टेक द स्ट्रोक फ्रॉम थर्ड लाइन टू सेकेंड लाइन, देन राइट अ सी अगेन फ्रॉम थर्ड लाइन टू सेकेंड लाइन, यू हैव टू टेक द स्ट्रोक, राइट अ सी, फिर से टेढ़ा जाना ऊपर। ठीक है, फ्रॉम द थर्ड लाइन टू सेकेंड लाइन एंड यू हैव टू राइट द सी कर्व। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू राइट सी स्ट्रोक। अच्छा, नेक्स्ट वेन एवर यू आर राइटिंग द सेकेंड स्ट्रोक इट शुड कम डाउन। ठीक है, इसके नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, अगेन विल राइट फ्रॉम द थर्ड लाइन यू हैव टू गो अप, टच द सेकेंड लाइन, देन अगेन फ्रॉम द थर्ड लाइन यू हैव टू गो अप, टच द सेकेंड लाइन, राइट अ सी, थर्ड लाइन गो टू सेकेंड लाइन, देन कम डाउन टू द थर्ड लाइन, अगेन फ्रॉम थर्ड लाइन गो टू द सेकेंड लाइन, राइट अ सी। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट सी कर्व। इसी तरह आपको ये देखना है कि इन दोनों लाइन को सी टच कर रहा है और इन दोनों में से बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, सेम वे फ्रॉम द थर्ड लाइन यू हैव टू गो अप, टच द सेकेंड लाइन, कम डाउन, टच द थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन, फिर वहां से सी कर्व को लिखा, सी कर्व को लेके आए, कहां हमने टच किया? थर्ड लाइन पे, फिर थर्ड लाइन से स्ट्रोक को ऊपर लेके गए, फिर हमने सी लिखा और फिर सी से हम ऊपर एक स्ट्रोक लेके गए, सेकेंड लाइन टच करी और हमने सी कर्व लिखा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट सी कर्व।
इसी तरह आपको इस साइड भी नीचे 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 लिखना है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट कर्सिव स्ट्रोक ऑफ सी इन योर इंग्लिश कॉपी. यू हैव टू मेक द वीडियो बिकॉज मैम वॉन्ट टू सी योर हैंड मूवमेंट्स, ओके? एंड यू हैव टू सेंड द पिक्चर ऑल्सो इन अवर क्लास ग्रुप, ओके? थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय.